इसकी जो गहराई है 21 ऊंट, मतलब कि एक के ऊपर एक ऊंट को खड़ा करे 21 ऊंट जब है इतने इसकी गहराई है यहाँ से। हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो पिछले 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, आज अभी शाम के 6 बजे है, आज व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। 2 व्लॉग पहले बनाए थे लेकिन मेरे को लगा कि वही सेम का सेम क्या रिपीट करे, इसलिए आज कुछ दूसरी जगह जा रहे हैं, कुछ नया दिखाने की कोशिश करूंगा, इसलिए ये व्लॉग आएगा। अगर नहीं ढंग का बना, अगर मेरे को नहीं लगा तो ये भी व्लॉग नहीं आ सकता, नेक्स्ट व्लॉग आप देख सकते हो। तो अभी चलते हैं एक जगह पे, क्या चीज है वो आपको दिखाते हैं। गाइस, फाइनली पहुंच चुके हम अपने खेत, जो पहले व्लॉग में आपने देखा था जो हाईवे वाला वो। तो यहाँ पे आप बारिश का अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ का पानी देख के पूरा खेत पानी में लबलबा रहा है। लेकिन जो मैंने बताया था, यहाँ पे एक काम हुआ था रोड लाइन का, उसका आप देख सकते हैं पूरे खेत में दरारें आ चुकी है, क्योंकि बीच में वो खोखली हो गई थी ज़मीन और अब पानी भरा है, तो उसके चक्कर में ये पूरे पूरे गड्ढे हो गए बड़े बड़े। वापिस देख सकते इधर पूरे के पूरे खेत में ये दरारें कंटिन्यू होती तक, और पूरा खेत पानी से भर चुका है। इतनी बड़ी दरारे और ऐसे पैर जा रहा अंदर रखते ही, जमीन अंदर की तरफ धस रही है। पैर रखा जमीन के अंदर, जहां जहां पैर रख रहे हैं वो जमीन जा रही अंदर, इतनी खोखली हो चुकी है जमीन। सवार है, फुड़ फुड़ कर रही है गाड़ी, तालाब की ओर जा रहे हैं, आसानी तालाब देखेंगे आज पानी कितना आया है। हाँ, जोरदार वाली बारिश भी दिया है यहाँ से, कितने महीने तक पानी का ठहरा हुआ है इस तलाई में। कैमरे में साफ नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है पानी बहुत है, पास में जाके थोड़ा बहुत बताते हैं आपको। सुबह के रहने इधर बेरिया भी है, खाली तालाब पहुंच चुके हैं, ये पानी थोड़ा सा दिख रहा है। और क्या यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी अपने, बहुत टाइम बाद हम यहाँ पे आए हैं। तो आज बारिश में देखो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, पानी जो आता है ढलान से, और ये है बेरी, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ किन की बेरी है वो। और इसके अंदर अभी तो ये बंद है, कुछ भी नहीं है, सारा कचरा डाला रखा है, कचरे से भर दी है। और ऐसी यहाँ पे एक नहीं, 6-7 से ऊपर बेरियाँ हैं जो अलग अलग लोगों के द्वारा बनाई गई है। उसमें हमारे भी खत्री समाज की भी एक बेरी है, अलग अलग लोगों की बनाई है। इसमें पानी, जब गर्मी के मौसम पानी नहीं होता था तो उस बेरियों के अंदर से पानी खींच के ले जाते थे। तो ये तालाब है जो पीछे हमारे गांव का, इसकी जो गहराई है 21 ऊंट, मतलब कि एक के ऊपर एक ऊंट को खड़ा करे 21 ऊंट जब है इतने इसकी गहराई है, यहाँ से लेके वहाँ तक ये बड़ा सा तालाब है। इसके अंदर 12 गांवों के लिए 12 महीने का अगर पूरी भर जाए उतना पानी रहता है, 12 महीने कंटिन्यू 12 गांवों के लोग यहाँ से पानी ले जा सकते हैं, इतना सारा पानी इसके अंदर इकट्ठा होता है। एक ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा, यहाँ एक बेरी थी और यहाँ पे एक ट्यूबवेल भी कराया था पानी के लिए, जो कि सक्सेस नहीं हुआ, बंद पड़ा है, पैक कर दिया इसको वापिस। अभी जो पानी भरा है वो जो मेन गहराई वहाँ तक ही भरा है, और अभी कचरा भी है दिख रहा है आपको यहाँ से, ये सारा कचरा जो है ये है वहाँ पे बनाया गया है। ये कचरा जो साफ हो जाएगा 1-2 दिन में, क्योंकि अभी आज ताज़ा पानी है इसलिए ज़्यादा कचरा है। और ये पीपल और नीम का पेड़ साथ में,
यहाँ पे ये बड़ी सी मेड़ बनाई गई है पानी रोकने के लिए इधर। इस तरीके का हमारे गांव का तालाब और इसका आग जो बोलते हैं आगोर बहुत ही बड़ा है, वहाँ से पानी आता है रिसके और यहाँ इकट्ठा होता है। एक और ये बेरी है जिसके ऊपर पत्थर आ चुके हैं, ये भी अंदर से कचरे से भरी हुई है, अब छोटा सा इसके ऊपर छेद रहा है। इस तरीके से यहाँ 6-7 बेरियाँ हैं।